जो हुआ है वो गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। तो मैं इन सब चीजों को ना सपोर्ट करता ना, मैं चाहता हूँ। एल्विस और मैक्सटन के झगड़े के बाद भाई एल्विस यादव को लोग गाली दे रहे, कमेंट में भर भर के गाली दे रहे। इसी पर लक्ष्य ने अपना एक इंट्रोडक्शन मतलब अपनी राय दी है, तो दोस्तों ये वीडियो गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। तो मैं इन सब चीजों को ना सपोर्ट करता ना, मैं चाहता कि ऐसा हो कि ऑनलाइन कोई लड़ाई और वो फिर रियल लाइफ तक चली जाए। बट जब मैं दोनों साइड की स्टोरी जान लूंगा, मेरी दोनों साइड के लोगों से बात हो जाएगी, तो मैं जरूर वीडियो भी बना दूंगा और मैं बोल भी दूंगा। अब ऐसे अपना ओपिनियन देंगे तो कोई मतलब नहीं है, और ओपिनियन क्या, जो सिचुएशन होके चली गई ना, जितनी ऑडियंस को पता उतनी सब क्रिएटर्स को पता, तो वही है भाई, गलत तो गलत है। और सच बताऊं एक मतलब एक बहुत ही कड़वी सच्ची बात बताऊंगा, अगर ये बात आई गई ना कि ये जो भी हुआ ना, ये ऑडियंस इन्हीं लोगों की वजह से हुआ जो हर वक्त कॉमेंट, हर वक्त लोगों को मसाला चाहिए ना, ये शुरू ही ट्विटर के कमेंट सेक्शन से हुआ। कल सुबह प्रेडिक्ट कर दी थी मैंने सारी बात, मैं हर्ष को आगे बता रहा था कि देख ये लड़ाई कितना आगे तक जाएगी, और वो गई क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग पोक करें कि मेरी और हर्ष की लड़ाई है ना, हर्ष के कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे कि तेरा बाप है लक्ष्य है, तेरे पे कुछ नहीं हुआ, वो ये कह रहा, मेरे में आगे बोलेंगे कि लक्ष्य तेरा ये हर्ष तेरा बाप है, और मुंह में ले ले उसका ये ले ले, तो क्या होगा कि एंड में मैं और ये आमने सामने आ जाएंगे, मतलब हमारी लड़ाई हो जाएगी जो कभी डायरेक्टली थी भी नहीं, या वो थोड़ा बहुत पोक करेगा, उसके फैंस और ज्यादा पोक करेंगे, तो मैं उस चीज का सिनेरियो दिमाग में इतना बना लूंगा और अपनी ईगो पे ले जाऊंगा। तो वही सब यार, ये चीजें, इन चीजों का मजा लेना थोड़ा कम कर दो कि आदमी रियल लाइफ में जाके कुछ कर रहा है और तुम फिर और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो उस चीज को कि अरे भाई कर दे कोई दिक्कत नहीं, तू तो बदमाश है, तू तो डोन है ये। तो गाइस क्या लगता है आपको, एल्विस यादव ने मैक्सटन के साथ सही किए गलत, कमेंट में अपनी राय जरूर दे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।